आपको महाराष्ट्र लिए चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। का अभी है अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। अब याद करिए, आज भी हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीन, उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मैं, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हूं। मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1,10,00,000 के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। मुझे विश्वास है आपका सामर्थ्य, आपका सेवा भाव देश को, समाज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आपका प्रयास, आपका परिश्रम युवा भारत की शक्ति का पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। मैं माय भारत संगठन में रजिस्टर कराने वाले सभी युवाओं का आज विशेष अभिनंदन करता हूं। और मैं देख रहा हूं माय भारत में रजिस्ट्रेशन में हमारे युवा और हमारी युवतियां दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है कौन ज्यादा रजिस्ट्री करवाए। कभी युवक आगे निकल जाते हैं, कभी युवतियां आगे निकल जाती हैं, बड़ी जोरों की स्पर्धा चल रही है। साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसरों का आसमान खोला जाए। सरकार इसके लिए हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही है। देश में